आज मैं लेके आया हूँ सेट नंबर सात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है CHSL एग्जाम और CGL के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? मुस्लिम लीग के संस्थापक क्या कौन कौन है? आगा खां और सलीमुल्ला खां, ये दोनों हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी का नाम था बटुकेश्वर दत्त। क्या था इनका नाम? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, अगला नंबर पे क्वेश्चन है, तीन नंबर पे, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो उस प्रांत का नाम है बंगाल। बंगाल में ही तेभागा कृषक आंदोलन शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, इस सब का जितना भी क्वेश्चन है सब का PDF आपको कमेंट बॉक्स के नीचे एक लिंक दिया गया, वहाँ से आप ले लीजिएगा। बस मेरे साथ आप 6 मिनट 5 मिनट आप रहिए मेरे साथ और इसको एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन देवों को संबंधित है? ऋग्वेद में जितना भी सूक्त है, सर्वाधिक सूक्त या फिर वहाँ पे जो भी आपका गद और पद है, किस देवता के लिए आया हुआ है? तो इंद्र और अग्नि देवता के लिए सर्वाधिक सूक्त का उल्लेख हुआ है। किस में? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर पर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन महापुरुष है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में। इनको सूफी संत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? सूफी संत। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को बोला जाता है सूफी संत, और उनका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। बहुत ही फेमस जगह अजमेर का, ये मैं भी गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ था फ्रेंड्स, बिहार में है ये बक्सर, बक्सर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी फ्रेंड्स? तो उसका आंसर है इलाहाबाद की संधि द्वारा बक्सर युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट, 8 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान में बजट को क्या कहा गया है? संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का अर्थ ही होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो एक साल में एक बार पास होता है संसद में। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कार्य क्या है? योजना आयोग का कार्य है आपका राष्ट्रीय योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रीय योजना का तैयारी करना। नेक्स्ट, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है यह राज्यों का एक संघ है। क्या है? ये राज्यों का एक संघ है। संविधान में कहा गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाला कौन सा इकाई है? पंचवर्षीय योजना को जो पास करता है तो उस संस्था का नाम बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका शॉर्ट नेम है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है, जो पास करता है। योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजना बनाता है लेकिन उस पर लास्ट मोहर कौन लगाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद ही लगाता है। नेक्स्ट, 40 नंबर पर क्वेश्चन है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? आयरलैंड। ये तो सबको याद होगा, ये आयरलैंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो उसका आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है? तो इसका आंसर है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में ही छुआछूत संबंधी जो भी आपका शिकायत था उसको खत्म किया गया अनुच्छेद 17 में। संविधान के अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता खत्म की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान सबसे पावरफुल आदमी थे ये उस समय, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट,
भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जनता में ही संप्रभुता निवास करती है। नेक्स्ट, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? संविधान का जो प्रारूप है, ड्राफ्टिंग है, संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। और लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो बनाता था संविधान, ड्राफ्टिंग कमिटी, उसका अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही संविधान बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट किया था, बनाया था संविधान को। तो क्वेश्चन था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद का नाम बताइए, अनुच्छेद 370। ये ऐसा संविधान है, ये ऐसा अनुच्छेद है 370 जो जम्मू कश्मीर पर ही लागू होता है सिर्फ। नेक्स्ट 22 नंबर पे है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, संविधान जो हम लोगों का बना था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान बना था उसको बनाने में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, एक रूल था ये, भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से बहुत कुछ लिया गया हम लोगों को संविधान को बनाने में। तो क्वेश्चन था, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आंसर था, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान को तो बहुत जगह से लिया गया ना, आयरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, 1929 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1857 अधिनियम। तो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहा जाता है? भारत के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहा जाता है? तो भाग दूसरा, भाग सेकेंड, दूसरे भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहा जाता है, संविधान के भाग को। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।